इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, किसी ने ये कहा कि मैंने मोदी के हाथों की चाय पी है? तो ये तो इसकी जिंदगी जो है ना पूरी झूठ में। यूपी में जाता है तो कहता है मैं गंगा का बेटा हूँ, अगर वो गुजरात में जाएगा तो बोलेगा मैं पटेल का चेला हूँ, अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो बोलेगा मैं शिवाजी का शिष्य हूँ, मतलब जहाँ जाता है वहीं का बेटा बन जाता है। अगर मुस्लिम इलाके में जाए तो कहेगा मैं पठान का बेटा हूँ, अगर यहाँ आएगा तो मैं सरदार का बेटा हूँ। तो मतलब इतना 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 बड़ा मतलब जुमलेबाज है, इतना बड़ा जुमलेबाज है, मतलब अगर झूठ बोलने का कंपटीशन चले तो नंबर वन में है। असल दे विच कसूरवार सब तो वध जिहड़ा प्रचार कीता ओह कीता नैशनल मीडिया ने, ते नैशनल मीडिया ने अज तक बिल्कुल कोई भी मुद्दा लोगों के हक का चके ही नहीं देश दे लई, क्योंकि यह कला पंजाब की गल नहीं है, जिवें इन्होंने सारे सूबे की गल की अवेयर सानू पूरे देश दे विचों होना पैना। आ जाओ इधर आ जाओ जी, की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी से हूँ, और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ, और इससे पहले भी मैं 13 महीने इस आंदोलन में रहा हूँ, और उसमें हमने अपने कई साथियों को खोया था, 700 से 800 किसानों की शहादत हो गई थी, और 1500 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई थी, और बहुत से साथी हमारे जेलों में गए थे, लाठियां खाई थी, और जो आंदोलन था 13 महीने चला था, बहुत लंबा, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन चला हुआ था जो किसानों को ने चलाया था। सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों को सलूट करना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों को सलूट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन को इतना लंबा ले गए और पूरे भारतवर्ष के लोगों को उससे जोड़ा, और सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि इससे पहले सरकार ने बड़े लांछन लगाए जैसे अभी भी लगाए जा रहे हैं, उस टाइम भी किसानों के ऊपर आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, यहाँ तक जो हमारे प्रधानमंत्री से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने भी किसानों को जीवी और परजीवी कहा था, लेकिन किसान डटे रहे पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, 13 महीने का समय लगा दिया, उसमें हमने कई लोगों को खोया, पूरी बरसात, पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, इतना इतना पानी वहां होता था, लेकिन डटे रहे किसान, और सरकार ने वायदा किया था, 3 काले कानून वापस लिए थे, जो किसानों की जो मांगे थी उसको माना, तब जाके आंदोलन खत्म हुआ था, लेकिन किसान उसके बाद इंतजार करते रहे, MSP की बात थी, लेकिन सरकार ने अभी तक जो किसानों की जो मेन डिमांडें थी उसको पूरा नहीं किया। आज आखिरकार किसान कितना इंतजार करता, 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, लेकिन किसान को दोबारा जो है अब एजिटेशन करना पड़ रहा है, उन्हीं मांगों को जो उन्होंने वायदा किया था किसानों के साथ उसको मनवाने के लिए, आज आप देख सकते हैं यहाँ शंभू बॉर्डर पे, और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि जबकि किसान जो है बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखने दिल्ली जा रहा था, लेकिन सरकार की मानसिकता देखिए आप, इन्होंने 5-5, 6-6 लेयर में यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए, और बैरिकेड्स लगाए तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर किसान इकट्ठा हुआ था जो दिल्ली जा रहा था उसके ऊपर जो है इन्होंने आंसू गैस के गोले खेले, गोलियां चलाए, जिसमें हमारे बहुत से साथी जो है जख्मी हो गए, आज भी वो हॉस्पिटलों में हैं, वहां पर कईयों की आंखें चली गई है, कईयों की टांगे चली गई हैं, कईयों के बाजू टूट गए हैं, मतलब इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ जो अन्नदाता है वो सरकार की मानसिकता से लगता है कि ये इस देश के किसानों को खुशहाल नहीं देखना चाहती, ये समझती है कि ये देश के किसान जो है कीड़े मकोड़े हैं, और ये जब से ये सरकार, मैं आपको बता दूं, जब से ये सरकार सत्ता में आई है 2014 में, उसके बाद इस देश में आप देखो मजदूर सड़कों में है, किसान सड़कों में है, जवान सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, व्यापारी सड़कों में है, वकील सड़कों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज लोगों से न्याय मांग रहे, वो भी सड़कों पे आ रहे हैं, मतलब इतनी बुरी हालत बना ली है ये जो सरकार है, ये ना कोई संविधान को मानती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरेआम, जबकि हमें राइट्स है अपनी बात को कहने का, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, लेकिन अब देखिए
हालत देखिए यहाँ पर भी आदमी, और ये सरकार जब से बनी है कोई भी इस सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे उनसे छापा मरवाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, और यहाँ तक कि पत्रकार भी अगर सही बात करता है, किसी के हित की बात उठाता है तो उसको भी जेलों में डाल दिया जाता है। भले ऐसी इस तरह की जो है स्थिति बनी हुई है, कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन पूरा तानाशाह राज हो रहा है। और जिस तरह आप यहाँ की हालत देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा ये पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बना रखा है। क्या ये पंजाब जो है क्या इंडिया से अलग है? पंजाब ये भी तो मतलब भारत का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया। और बताओ आप, एक तो बोलते हैं भी हमारे पास कुछ नहीं है किसानों को करने, जबकि सरकार देखिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर दिया बैरिकेड्स लेयर बनाने में। दूसरा जो यहाँ पर 40-50 हजार जो इम्प्लॉइज है, फोर्स जो यहाँ पर लगाई है, उनके ऊपर खर्चा देखिए आप, मतलब अरबों रुपए का खर्चा जरूर कर रही है, लेकिन सरकार जो चाहती है कि किसानों को कुछ नहीं देना है, किसान जो आत्महत्या करता रहे, किसान खुशहाल ना हो, किसान के बच्चे ना पढ़े, उनको शिक्षा ना मिले, बस ऐसे ही वो सड़क पे ही रहे, मतलब ऐसी मानसिकता है। आप देखिए आप, मैं आप यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 40 किले, 50 किले, 80 किले, 100 किले जमीन है, और वो 100 किले जमीन वाला किसान भी सड़क में है। बताइए अगर उसकी आमदनी अच्छी होती है, खुशहाल होता है, इतनी जमीन होने के बावजूद भी वो चिल्ला रहा है कि हमें जी MSP दी जाए या बाकी सुविधा दी जाए। नहीं तो अगर इतनी जमीन होने के बाद अगर फैसिलिटी, तो उसने तो 5 स्टार में रहना था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना था, लेकिन वो भी मजबूर है। जो 1 किले 2 किले के वाले की तो बात आप छोड़िए, है। अब इस सरकार ने जितनी भी जो ये जो बीज थे, बीज के रेट बढ़ा दिए, दवाइयों के रेट बढ़ा दिए, जो एग्रीकल्चर में जो इंस्ट्रूमेंट थे जिनका यूज होता है खेती के लिए, उनके ऊपर GST लगा दिया। बताइए किसान जो है जो बुआई करता है उसका पैसा भी उसको नहीं मिलता है, है पूरा कर्जदार बना दिया है। आज देखिए मजबूर है किसान क्यों। अब देखिए आप, आज सड़कों में हमारे 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, अगर यहाँ इस देश का किसान खुशहाल होता तो ऐसी हालत में, ऐसी सर्दी में, ऐसी गर्मी में यहाँ बैठता, यहाँ नारे लगाता, अपने घर बार छोड़कर यहाँ आता? तो मतलब ये सरकार किसी की भी हतेशी नहीं है, ये अपने बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों को पालना चाहती है। और आप देखिए जब से ये सरकार आई है सब कुछ बेचने में लगी है। इन्होंने रेल बेच दी, सेल बेच दी, भेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी, लाल किला बेच दिया, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, धरती बेच दी, थोड़ा क्या है। जब से सरकार आई बेचने में लगी हुई है, बनाया कुछ नहीं है। जबकि 2014 में इस देश में जब ये बात करते हैं कि बड़ी भारी डेवलपमेंट हुई, मोदी का जो है वर्ल्ड में जो है नाम है, इस तरह का प्रचार मीडिया में होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2014 में भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। इन 10 सालों में जो कर्जा हो गया भारत के ऊपर, वो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। तो बताइए देश प्रगति कर रहा है? और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन फ्री में दे रहा है, वो देश क्या प्रगति कर रहा है? जिस वो तो भुखमरी का शिकार हो रहा है। अब जिस देश में आप राशन फ्री दे रहे हैं, आदमी को जरूरत पड़ रही है भी राशन फ्री खाने की जरूरत पड़ी है, तो देश तरक्की कर रहा है एक तरफ से तो कह रहे हैं। और जो हमारा नेशनल मीडिया है ये इसके लिए बड़ा जिम्मेदार है। ये कभी भी ना स्वास्थ्य की बात करेगा, ना बेरोजगारी की बात करेगा, ना रोजगार की बात करेगा, बस इनमें ना शिक्षा की बात करेगा, बस डिबेट करता है हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इस पे ही डिबेट करता है। और जो मतलब जो जिन चीजों में डिबेट होना चाहिए, जिसमें जो आधारभूत चीजें हैं, जो सरकार के की आलोचना होनी चाहिए, उस पे कभी नहीं बोलता। और जो मोदी जी को कहता है कि ये तो महामानव है, ये तो विष्णु का अवतार है, मीडिया कहता है महामानव है, विष्णु का अवतार है, मतलब इस तरह का प्रचार। और बड़ी शर्म की बात है, ये दलाल मीडिया जो नेशनल मीडिया, जिसको एक विपक्ष का रूप धारण करना चाहिए था, लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, आज वो सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है।
सरकार की कमियों को छुपाता है उनको नए तरीके से आज भी देखिए आप, अभी भी जो स्टेटमेंट अभी चल रही है जैसे पहले चली हुई थी, अब भी ये बोलेंगे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो पंजाब के किसान है, ये फलाने हैं, ये है, तो ये प्रचार भी अभी चलना है मीडिया में। इनको तो कोई मुद्दा मिलना चाहिए, बस उसी पे ही उसी को बुनाए। और देखिए यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया, जो भी हमारे सोशल मीडिया या कोई यूट्यूब चैनल थे उनको बंद कर दिया, मतलब इतनी दादागिरी, इतनी तानाशाही होती है किसी तानाशाही के, मतलब कहने को तो लोकतंत्र है लेकिन देखिए आप हरियाणा में देखिए पूरे घरों घरों में अनाउंस कर रहे हैं कि भाई बाहर नहीं निकलेंगे हम, आपका पासपोर्ट खत्म कर देंगे, आपके बच्चे जिन कॉलेजों में पढ़ते हैं स्कूलों में पढ़ते हैं उनको वहां से निकाल देंगे, मतलब इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, कितनी बुरी हालत है इस देश की। तो मतलब ये लोग तो बस धर्म की थीम चिटा रहे हैं। देखिए अब इलेक्शन है तो इन्होंने अब देखा कितना प्रचार किया इन्होंने, जगह जगह झंडे लगाए, ये किया राम राम मंदिर राम मंदिर, जबकि ये आस्था का विषय है, ठीक है अपना अपना धर्म है सबकी आस्था, इससे पहले भी तो भगवान राम की पूजा होती थी, हमारे बुजुर्ग हैं हमारी जो माताएं थी जो हमारे पढ़ वो भी तो पूजा करते थे, मोदी के आने पे ही थोड़ी भगवान का नाम लिया जाता है या सीताराम का नाम लिया जाता है, इससे पहले भी तो हमारे बड़ी आस्था रखते थे, लेकिन मोदी जी क्या अब प्रचार हो रहा है मीडिया के द्वारा कि मोदी जी भगवान राम को लेके आए हैं, बताइए इस तरह का प्रचार और मीडिया के द्वारा। और फिर देखिए फिर प्रधानमंत्री को राम मंदिर से क्या मतलब है, सभी का अपना अपना धर्म है, सभी धर्मों को आस्था का विषय, अपने लेवल पे जो भी करते हैं करें उसमें। और देखिए हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो सनातन धर्म के जो सबसे बड़े धर्म गुरु है वो शंकराचार्य को माना गया है। देखो शंकराचार्य जी बार बार बोलते रहे कि अभी जो मंदिर का जो निर्माण जो है पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती शास्त्रों के अनुसार, ठीक है, लेकिन मोदी जी ने को तो अपना प्रचार करना था, इसको एक राजनीतिक मुद्दा, इसका राजनीतिकरण करना था मंदिर का, उससे मंदिर से कोई प्रेम थोड़ी है, उसको राजनीतिकरण करना, उसको कुर्सी में जाना है, लोगों को धर्म की फीम चटानी है, उसका तो मकसद वही है, उसको क्या बता शास्त्रों का। ये लोग तो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, जब शंकराचार्य को नहीं मान रहे भाई ये बताओ आप, देश का प्रधानमंत्री वो प्राण प्रतिष्ठा करेगा, उसके लिए तो धर्म गुरु है वो लोग करेंगे, तो मतलब किसी को वहां जाने नहीं दिया, वहां जाके वो देखना आपने जो शेष होता है उसमें देखना, अब अगर आपने मीडिया में देखा होगा तो करोड़े में वो देते हैं चरनामत देते हैं, हाथ में हाथ से पीते हैं, तो जो वहां पुजारी था उनके चम्मच डाल के उनके मुंह में डाल रहा है उसको, बताओ आप है कितना, मतलब ये धर्म, अगर ये हिंदू धर्म को ये मानते हैं, इतने बड़े हिंदू धर्म के वो हैं ठेकेदार हैं, इनकी माँ गुजर गई तो हिंदू धर्म में तो है कि जब माँ का देहांत हो जाता है तो उसका बेटा जो बाल कटाता है, सर के बाल मुंडाता है, लेकिन मुंडाए अपने आप को ये हिंदू कहते हैं तो इसने कटवाए, तो मतलब इनको ना अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ना इतिहास का ज्ञान है, ना समाज का ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ये किसी भी चीज को किसी भी हद तक। और जहां तक मेरे भाई साहब ने बात की, इन्होंने चाय बेचने की बात की, अब आप बताइए, आपने पुराने वीडियो देखे होंगे मोदी जी के, कभी कहता था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसी बात करता था, बड़े आए थे ना वीडियो से, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 35 साल भीख मांगी है, मतलब इस तरह की इसकी स्टेटमेंट है, पुराने अगर देखें तो इसको खुद शर्म आ जाए, अब कहता है कि मैं MA हूँ। अब आप ये बताओ भाई, जो आदमी कोई MA करेगा किसी यूनिवर्सिटी में, आप ये बताओ कि किसी यूनिवर्सिटी में जो देश का प्रधानमंत्री है, मोदी देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़े उच्च पद पे है सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ प्रधानमंत्री है, तो अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो कोई यूनिवर्सिटी, तो आप ये बताओ किसी यूनिवर्सिटी में दावा किया कि ये मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, किया? या आज तक कोई टीचर या कोई प्रोफेसर किसी ने कभी ये भी कहा कि भाई ये हमारे स्कूल में पढ़ा हुआ है या मैंने इसको पढ़ाया है, किसी प्रोफेसर या किसी टीचर ने या किसी अध्यापक ने दावा किया आज तक कि मोदी को मैंने पढ़ाया? नहीं तो गुरु आते हैं ना सामने, ये मेरा चेला है, मेरे स्कूल में पढ़ता था, ये इसके इसके ये गुण थे, लेकिन आज तक निकला। और जहां भाई साहब ने चाय बेचने की बात की, आप ये बताओ जो कह रहा है मैंने रेलवे स्टेशन पे चाय बेची है, तो आज तक कोई ऐसा इंसान मिला? इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, किसी ने ये कहा कि मैंने मोदी के हाथों की चाय पी है? तो ये तो इसकी जिंदगी जो है ना पूरी झूठ में,
झूठ में निकल गई है, ये बहुत बड़ा जुमलेबाज है। जैसे वो एक बहरूपिया नहीं होता, मतलब गिरगट की तरह रंग बदलता है समय के साथ। देखिए आप, अगर यूपी में जाता है तो कहता है मैं गंगा का बेटा हूँ, अगर वो गुजरात में जाएगा तो बोलेगा मैं पटेल का चेला हूँ, अगर महाराष्ट्र में जाएगा तो बोलेगा मैं शिवाजी का शिष्य हूँ, मतलब इस तरह का। और मतलब इसका देखो ना आप हिसाब किताब, जहां भी जाएगा, हमारे हिमाचल में जाएगा, अभी पीछे प्रचार हुआ वहां पे, सरकार बनी कांग्रेस की, तो 2 महीने ये वहां पे रहे और हर कंस्टिट्यूएंसी में घूमे, बड़ा प्रचार किया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। वहां बोलता था कि मेरे को, मैं तो हिमाचल का बेटा हूँ और मेरे को यहाँ की कढ़ी और चावल बहुत पसंद है, यहाँ की सेपू बढ़िया बहुत पसंद है। तो मतलब इन चीजों को झूठ बोलने में बड़ा भारी माहिर है, मतलब जहाँ जाता है वहीं का बेटा बन जाता है। अगर मुस्लिम इलाके में जाए तो कहेगा मैं पठान का बेटा हूँ, अगर यहाँ आएगा तो मैं सरदार का बेटा हूँ। तो मतलब इतना 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 बड़ा मतलब जुमलेबाज है, इतना बड़ा जुमलेबाज है, मतलब अगर झूठ बोलने का कंपटीशन चले तो नंबर वन में है और बड़ी बड़ी फेंकता है हमेशा, मतलब हर बात को घुमाएगा, मतलब झूठ ही बोला है। जितने भी आपने भाषण देखे होंगे, इतिहास का ज्ञान नहीं है, मतलब उसमें वो कुछ नहीं निकलता, वो इस तरह की चीजें हैं। बाकी आप पूछिए और क्या पूछना चाह रहे हैं। जो गल्ला इन्ना ने कहियां बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि बेशक असी ये चीजा नूं हादसे दे विच ना लईए, जो इन्ना ने गल्ला कहियां, जे किते साडे देश दे विचों 25% लोग भी वो इन्ना वालियां गल्लां नूं किते एक्सैप्ट कर लैण, समझ जाण, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹਮੇ ਜੇ ਬਾਤ ਵੀ ਬਤਾ ਦਈਏ ਆਪ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। देखिए जी, भारत की जनता को और मोदी जी को जो घमंड है, जो अहंकार है, उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज इतना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है सूरज इतना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें रहा सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें रहा सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत कीमती, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सा जो स्पीच इन्होंने दी है, बहुत ज्यादा बेशुमार कीमती शब्द थी, तो जरूर इस वीडियो नूं तुसी शेयर करियो, जुड़े रहो मेरे नाल जसकरन सिंह मलूका, धन्यवाद।